जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम सुमो, आप देख रहे हैं ब्रूडल सुमो। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं सब मस्त रहेंगे, हंसी खुशी जी रहेंगे। तो गाइस, आ गया आपके लिए और मस्त गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग सबसे पहले उतरे हैं यहां पे ये ओशन की पैलेस के अंदर। और भाई नया मोड आया और हमारे बंदों को ट्रोल करने का सिलसिला ना चला, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई इस वीडियो में बहुत ट्रोलिंग है, बंदों को बहुत कुत्तों जैसा मारा है बीच बीच में। तो वो चीज़ देखने के लिए आपको वीडियो थोड़ी लास्ट तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो सब पार्ट की थोड़े बाद में। और एक क्लचेस भी है थोड़े बाद, 1v2 वो सब है। 1v4 का तो फिलहाल हो नहीं रहा है हमसे, पता नहीं क्या हो, ये थोड़ा सा किस्मत लेफ्ट राइट चलता है। पर वो सब हटाओ, पहले तो हम लोग यहाँ पे सीधा ओशन पैलेस में फोकस करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे चल रही है फाइट। तो भाई सामने से एक बंदा आता है, इसको मैं सोचा तुरंत सा स्कोप खोल के इसको मार डालूंगा, पर भाई मेरी किस्मत थोड़ी ख़राब है, मेरे को लास्ट में से 1v1 ही लेना पड़ा। और भाई भाई आजकल डैमेज तो अंदर रहा तो बहुत अच्छा करता हूँ, मानो चाहे ना मानो, हर वीडियो में देख लो पीछे मुड़ जाके, पिछली वीडियो सब देख के। भाई बंदे को इतना मस्त पहले डैमेज देता हूँ, फिर कवर में आता हूँ, फिर डैमेज देता हूँ, फिर कवर में आता हूँ। बस ये मेरे को थोड़ी और जल्दी करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ी और प्रैक्टिस लगेगी, ताकि भाई मैं भी एक अच्छा प्लेयर बन सकूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट दिखा सकूँ। पर अगर आप लोग को फिर भी अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हम लोग का गोल है 150 सब्सक्राइबर, जिसके लिए बस 13 सब्सक्राइबर दूर है। और भाई आप लोग 13 से तो ज़्यादा ही लोग देखते हो वीडियो, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो मेरा ऐप, आपका बहुत बड़ा क्या बोलते हैं आपका उपकार मान लूंगा। अब क्या होता है, सामने ऊपर एक बंदा होता है, अब भाई इसको जो मैंने एमपी से टन मार दिया भाई, फिर मेरा टीममेट जाके मेरा किल भी कंफर्म करवा देता है, पता नहीं कैसे भाई वो जगह मुझे तो नहीं लगा था किल कंफर्म होगा, पर हो जाता है लास्ट में। अब क्या होता है, यहाँ देख सकते हो मैं ऊपर जा रहा होता हूँ थोड़ा, क्योंकि भाई के देखो किल चाहिए तो यही करना पड़ेगा। और ऊपर मेरे टीममेट को किसने नॉक फिनिश भी डाल दिया यहाँ पे, पर मुझे घंटा नहीं पता चला बंदा कहाँ से मार रहा था। अब क्या होता है, मैं यहाँ के दीवार पर चढ़ रहा होता और ये बंदा मेरे को दिख जाता है। मजाक से कि ये इकलौती ऐसी जगह है जब कंफर्म है कोई ना कोई बैठ के कैंप करेगा ही करेगा। तो आपको अगर चाहिए एक आध किल, और अगर आपका डिवाइस अच्छा है तो आप लोग यहाँ आ सकते हो, गन वन लूट के आराम से यहाँ पे एक आध बंदे तो पक्का मिलते हैं। अब क्या होता है, सामने एक और बंदे का मेरे को फुट आता है, अब भाई मेरे पास है टॉमी। आज इस मैच में पता नहीं क्या हुआ, इस मोमेंट में मेरे को एक वगैरह कुछ नहीं मिलता, मैं थॉमसन ही चला रहा हूँ। और भाई मजाक से गन तगड़ी चल रही है, और भाई ये बंदों को थोड़ा सा भगा भगा के मार रहा होता हूँ, क्योंकि मज़ा आ रहा है भाई। थॉमसन में 50 गोली, M249 में भाई 70 गोली, भाई समझ रहे हो। अब क्या होता है, सामने एक बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, अब भाई मैं सीधा चला जाता हूँ और कवर देते हुए अपने टीममेट के पास। भाई एक तो ये बंदे क्या बोलते हैं, बड़े हरामी हो चुके हैं, मजाक सेट के भाई बंदे सीधा नॉक करके फिनिश डालते हैं। ऐसे वो काम तो मैं भी करता हूँ, लगता है ये मेरे साथ कर्मा हो रहा है मेरा, पर वो सब हटाओ कर्मा है तो वो तो हमें मिलना ही है। तो भाई पर एक चीज़ है, मेरा की करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये बंदे कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं तो कर रहा हूँ, तो मुझे तो मेरे किल्स चाहिए, तो इसलिए मैं नॉक फिनिश डालूंगा ही डालूंगा। अब हम लोग आते हैं पोचिंग की में, अब भाई ये बंदे को देखो, भाई बंदे को पता है मेरा फुट आ चुका था इसलिए यहाँ लेटा हुआ है, पर ये बंदे को पता नहीं चला मैं कब इसके पीछे आ गया, इसको 5 गोली साला S12 के की मारो तब जाके ये बंदा मरा है। अब क्या होता है, सामने एक बंदा जा रहा था, अब भाई मेरे पास है MK12, अब भाई MK12 से तो भाई मैंने ये बंदा मेरे आगे दौड़ के जा रहा था, मेरे को ऑटो गन नहीं मिलती तो मैं एक सिंगल टैप करके चला था। पर ये गन्ना सिंगल टाइम में मजाक से सच बता रहा हूँ बहुत तगड़ी चलती है भाई, मस्त है ये DMR, अगर इसको DMR ही बोलेंगे या कायदे से तो ये DMR ही है। पर फिर हम लोग आते हैं पोचिंग के, अब भाई पोचिंग की बात है, यहाँ पे ऑलरेडी चल रही होती है फाइट, अब भाई फाइट चलती है, अब सामने से एक आती है डासिया, और मैं लोगों को ट्रोल करता हूँ ना, यहाँ BGMI ने मुझे ट्रोल किया कैसे क्या वो बस लवी देखो, थोड़ी ही देर में एक आध मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कैसे ट्रोल किया। अब भाई इस बंदे को नॉक फिनिश डालता हूँ, अब क्या होता है मैं सामने जाता हूँ ट्रिपल स्टोर के अंदर, अब भाई देख सकते हो यार सामने बंदा आ रहा होता है, अब मेरे टीममेट के माइक से थोड़ी आवाज़ आ रही होती है, तो भाई मैं सीधा माइक बंद कर रहा होता हूँ, और बंदे के मुंह पे मेरी सेटिंग खुल जाती है, और मैं दबा रहा हूँ क्रॉस कि बंद हो जा, नहीं हो रहा है, और बंदे ने सीधा नॉक फिनिश डाल दिया। ये हुआ मेरे साथ असली में मोए। अब यहाँ मरने के बाद मैं आता हूँ अगला मैच में, अब भाई सामने एक बंदा होता है, अब भाई इसको पहले तो मैं नॉक करता हूँ, फिर इसको फिनिश करता हूँ, अब इसको फिनिश करने के चक्कर में थोड़ा डैमेज लेके हम लोग मर भी जाते हैं, और उसके बाद हम लोग बाहर आते हैं। और भाई यहाँ पे देख सकते हो रिकॉल टावर पे चलेगी अब फाइट, ऐसा नहीं कि यहाँ नॉर्मल बनाएंगे, नहीं भाई असली बंदे आते हैं, प्रॉपर असली बंदे आएंगे। अब क्या होता है, यहाँ पे सामने मेरे टीममेट रिकॉल कर रहे होते हैं, एक बंदा कहीं से आता है मेरे टीममेट को सीधा नॉक करता है, और भाई मजाक से फिनिश डालने वाला होता है, वो तो सही टाइम पे मैंने कवर फायर दे दिया तो मेरा टीममेट बच गया। अब बंदे को देखो मेरे सामने है, लिटरल बंदा मेरे सामने अपने टीममेट्स को रिकॉल दे रहा है, और भाई जैसे ही रिकॉल होने ही वाला होगा, क्योंकि 5-6 सेकंड लगते हैं, भाई बंदे को सीधा नॉक फिनिश डाल दे अपने। अब क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा खिड़की पर अटक गया था, और मेरा टीममेट वहाँ पे कुछ बंदों से फाइट लेने लग गया, अब भाई मेरा टीममेट फाइट लेने में इतना व्यस्त उस गलती से नीचे कूद जाता है 3-3 बंदों के मुंह पे, और बंदों के मुंह पे कूदते साथ मर जाता है। फिर क्या होता है, मैं यहाँ पे कवर दे रहा हूँ कि इन बंदों ने उसको मारा, तो एक को तो मैं नॉक फिनिश डालता हूँ। अब क्या होता है, इसका दूसरा टीममेट रिकॉल दबाने जा रहा होता है, पूरा स्मोक वगैरह कर चुका है बंदा, पर एक चीज़ ये भाई भूल गए, ये स्मोक करके स्मोक के अंदर से जाना होता है, ना कि स्मोक के बाहर से,
तो ये बंदा वही चीज भूल गया कि इसको स्मोक के अंदर से जाना था, बाहर से गया। मैंने इसको पनिश किया, भाई मैं जा रहा था रिकॉल दबाने, पर तब तक मेरे को दूर से एक स्टिंगर आते हुए दिखते और स्टिंगर के ऊपर बंदे दिखते हैं, तो मैं थोड़ी सी फट जाती हूँ और मैं पीछे आ जाता हूँ और पीछे आने के चक्कर में यहाँ पिट भी जाता हूँ। अब यहाँ से पिटने के बाद हम लोग फिर आते हैं यहाँ पे। बोला ना भाई मैंने हर वीडियो में, अपना एक ही काम है, सीधा मरो, किल करो, मरो वापस इधर आओ फिर किल करो, ये हर मैच में चलता रहेगा हम लोग का। और भाई ये डीसिंक देखो, पहले तो बंदे को इतना मारा उसको गोली रजिस्टर नहीं हुई, फिर एक आध गोली लगी, बंदा नॉक फिनिश करता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, बंदे देखो कहाँ कहाँ पिलर के पीछे छुप के बैठे हैं। अब भाई इनको भी एक को नॉक करता हूँ, इसका फिनिश भी मुझे मिल ही जाता है, मेरा टीममेट दिला देता है। अब क्या होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं एक और बंदा, अब देखो बंदे बुलबुला बना के भी, ये वाला बबल बना के भी बैठे रहते हैं इसके अंदर। अब इस बंदे को डैमेज मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ, अब मैं सीधा जाता हूँ इसको चेक करने, पर बंदा यहाँ होता नहीं है। अब यहाँ मेरे को सामने से एक फुटस्टेप आता है, और भाई देखो इसीलिए मैं बस क्लोज रेंज फाइट में भी ADS खोलता हूँ, क्योंकि ADS से बुलेट स्प्रेड बहुत कम हो जाता है और आप कहीं ना कहीं चांस बढ़ जाता है कि आप बंदे को तुरंत नॉक फिनिश डाल सको। अब भाई यहाँ पे आते दो बंदे मेरे सामने, एक को बहुत लो किया, स्कारल पे स्विच किया हूँ, और भाई बंदों को सीधा नॉक फिनिश डाल देता हूँ। अब भाई नॉक फिनिश डालने के बाद यहाँ पे पता नहीं मेरा गेम हल्का हल्का अटक क्यों रहा है वीडियो के अंदर, असल में ऐसा नहीं अटकता कि एक एक फ्रेम अटका है ऐसा। अब फिर हम लोग आ जाते गटका के पास वाले रिकॉल टावर पे। अब भाई सामने होता है एक बंदा, अब भाई ये बंदा मेरे पे मॉली कर रहा होता है, इससे पहले ये मॉली मेरे पे करे मेरे को आग लगा, मैं सीधा जाके इसकी पेटी से हरा धुआं निकलवा देता हूँ। अब क्या था हम लोग यहाँ जा रहे थे, मेरा टीममेट अचानक से चिल्ला के बोलता है बंदा है बंदा है पेड़ पे बंदा है। भाई मैं यहाँ आ जाता हूँ, देखो मेरा एम भी नहीं है बंदे पे, बंदे के सामने हूँ, एक गोली बंदे ने मारी उल्टा, मैंने उसको UMP के साले हेड में चिपका के उसको सीधा फिनिश डालता हूँ। भाई बंदों का एम तो बहुत खराब था। अब भाई यहाँ पे क्या होता है देख सकते हो, मेरे ऊपर प्रॉपर एक गाड़ी चढ़ जाती है। अब भाई गाड़ी पता नहीं कहाँ से, गाड़ी वालों पे भाई ग्लेशियर वगैरह सब थी, तो भाई बंदे रईस तो थे अच्छे खासे, भाई अमीर अमीर बंदे थे। अब कहता एक नॉक मैं निकाल देता हूँ, अब भाई नेड फेंकता हूँ ताकि मेरा नॉक कंफर्म भी हो जाए, जो हो भी जाता है, क्योंकि भाई ऐसी बात है मैं नेड और भाई मेरे लिए तो ये सब कॉमन बात है। और अगर इस पीछे आपको हो सके हल्का सा कीर्तन और भजन का साउंड आ रहा हो, क्योंकि भाई सावन का महीना चल रहा है, लोग करते हैं ये सब, तो भाई हम कुछ नहीं बोल सकते, इसमें सबकी अपनी आस्था होती है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, अब हम लोग आता हूँ मैं अपने टीममेट्स के पास फाइट लेने। भाई एक बंदे को तो यहाँ नॉक करता हूँ, अब पहले मतलब वहाँ का इससे पहले वाला फाइट का बता रहा हूँ, ये तो फिलहाल दो बॉट मिलते हैं मुझे। अब ये दो बॉट मिलने के बाद हम लोग उड़ के स्टिंगरे से जा रहे होते हैं जोन के अंदर, तभी अचानक से हमको एक बंदा स्पॉट होता है जोन में, देख सकते हो आप, अभी आपको दिखेगा, ये देखो पेड़ के पास आपको चलता हुआ दिख रहा है। तो भाई मैं इसको मारने के लिए उतरता हूँ, और पता नहीं ये अचानक से इतने पास से इतना दूर कब चला जाता है मुझे पता नहीं चलता, ये बॉट या तो इस पर स्पीड हैक था या कौन सा हैक था मुझे नहीं पता। अब इसको मारने के बाद हम लोग आ जाते हैं स्कूल अपार्टमेंट के पास वाले रिकॉल टावर पे। अब भाई यहाँ जैसे ही मैं उतरता हूँ उधर से चलती हैं गोलियाँ, ये जो हल्की सी एक पहाड़ी होती है उधर से बहुत गोलियाँ चलती हैं। अब भाई वहाँ से गोलियाँ चलने के बाद हम लोग भी आते हैं, अब हम भी रिटेलिएशन फायर तो देंगे भाई। अब इसमें से एक बंदे का यहाँ नॉक था, वो मैं किल चुरा सकता था, मैंने उसको बहुत लो भी किया था, पर भाई है ना किल मुझे नहीं मिलता, मैं बस यहाँ डैमेज देता रह जाता। अब क्या होता है एक किल फिर भी मैं यहाँ से उठाऊंगा। अब क्या होता है यहाँ पे देख सकते हो, ये मिराडो के पास स्प्रे करता हूँ, एक बंदा नॉक निकाल देता हूँ। अब भाई दोबारा रिलोड करके दोबारा स्प्रे देता हूँ, इस बार एक किल निकाल देता हूँ। पर गाइस एक चीज़ का दुख है इस वीडियो में, सर हम लोग चिकन नहीं निकाल पाते हैं किसी मैच में, तो भाई उसी बस एक चीज़ का एक दुख है। अब वहाँ से मार वार करने के बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा यहाँ पे रोजॉक वाली शॉप पे, क्योंकि भाई अपने को एमओ खरीदना था, एमओ की थोड़ी किल्लत हो गई थी। और भाई सामने एक बंदा मेरा टीममेट स्पॉट करता है, उसको थोड़ा डैमेज देता है, एक हेड मारता है, तो मैं अभी आके एक हेड मारता हूँ उसको, सीधा नॉक फिनिश डाल देता हूँ। अब क्या होता है मेरा टीममेट हो जाता है यहाँ नॉक, और भाई उसको रिवाइव देने के चक्कर में मैं यहाँ पे स्मोक वगैरह करता हूँ, और मेरे टीममेट को कोई दूर से AMR चिपका देता है और मुझे भी चिपका देता है, और उसी चक्कर में हम लोग यहाँ पे मर जाते हैं पूरी स्क्वाड। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा, जय श्री राम, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी देख लो भाई कहीं से आएगी एक AMR की शॉट और मैं मर जाऊंगा। तो गाइस जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा, जय श्री राम, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दो बार हो गया मेरा आउटरो, तो जल्दी मिलेंगे। जावे लगे बाजी चौंजा हर हथ नहीं।